हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास है जगह की कमी और पॉट नहीं ला सकते हैं तो ये बनाइए, हैंगिंग झूला बिल्कुल फ्री में तैयार हो जाता है। मैंने कुछ वेस्ट पड़ी प्लास्टिक की बोतलों से इसको तैयार किया है। इसको कैसे तैयार किया है स्टेप टू स्टेप मैं इस वीडियो में बताऊँगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो देखिए, ये हैं प्लास्टिक की बोतलें जो अक्सर हम कबाड़ी वाले को दे देते हैं, इन्हीं से बनाने वाली हूँ मैं आज एक सुंदर सा हैंगिंग झूला। तो बोतलों को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं रैपर निकाल कर इनका। तो देखिए, सभी बोतलों को स्केल से नाप लिया है मैंने, और नापने के साथ ही इस पर आप मार्कर से निशान लगा लीजिए। निशान लगाने के बाद इनको काट लेंगे किसी पेपर कटर की सहायता से या चाकू की सहायता से। चाकू को गैस में गर्म किया है मैंने और उसी से मैंने ये काटी हैं। 12 बोतलें काटी हैं मैंने, तो 12 के 24 पीस बन गए हैं। जो ऊपर का हिस्सा है उसको भी यूज़ करेंगे और जो नीचे के हिस्से हैं उनको भी यूज़ करेंगे। उससे पहले इनमें किसी नुकीली कील या पेचकस से गैस में गर्म करके उसको और होल कर लेंगे। नीचे भी ड्रेनेज होल बनाने हैं, ऊपर ढक्कन में भी होल करने हैं। उसके साथ साथ हमें ऊपर साइड में भी होल करने हैं जहाँ पर रस्सी बांधेंगे इसमें। इसके साथ ही मैंने ऑयल पेंट का यूज़ किया है और साथ में तारपीन से हम ब्रश साफ कर लेंगे अच्छे से। अगर आपको पेंट लगे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप हल्की सी 2-4 बूंदें उसमें तारपीन के तेल की डालेंगे और अच्छे से पेंट को तैयार करेंगे। देखिए, मैं रेड कलर कर रही हूँ इस पर। एक कोट करने के बाद दोबारा से कोट करेंगे, तो 2 कोट करने के बाद अच्छे से देखिए चमक आ गई है सभी बोतलों में। ये देखिए, कलर करने के बाद 2 घंटे तक इनको सूखने के लिए रख देंगे। सूखने के बाद किसी दूसरे कलर से इन पर कोई भी डिज़ाइन आप बना लीजिएगा। मैंने देखिए येलो कलर इस्तेमाल किया है और ये ऐसे मैंने डॉट डॉट बना लिया है इस पर। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर निकल के आया है, और इनको भी हम सूखने के लिए रख देंगे। अब इसमें किसी भी रस्सी ले लीजिए आप, लाइलोन की ले लीजिए या फिर कोई भी धागा जो मजबूत है उसको ले लीजिए, या तार ले लीजिए बारीक सा। तो देखिए, तार मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि अगर तार डालती हूँ मैं इसमें तो झूला फिर स्विंग नहीं करेगा, और रस्सियाँ जैसे ही हवा चलती है तो रस्सियाँ की वजह से झूला स्विंग करता है और अच्छा लगता है हवा के साथ साथ घूमता हुआ। तो इस तरीके से छोटी छोटी रस्सी पहले हम इसमें बांध लेंगे, सभी रस्सियों को एक जैसा कट करके उसके बाद देखिए इस तरीके से डाल के और अच्छे से मजबूत तरीके से इसमें अंदर की साइड हम गांठ लगा लेंगे। सूती रस्सी का इस्तेमाल नहीं किया मैंने क्योंकि सूती रस्सी जल्दी से ख़राब हो जाती है। मैंने लाइलोन या फिर कोई भी आप रेशम की रस्सी का यूज़ कर सकते हैं, मैंने लाइलोन की रस्सी का यूज़ किया है। और मेरे पास ये वेस्ट पंखे की जाली पड़ी हुई थी तो मैंने ये कबाड़ी को ना देके अपने गार्डन में यूज़ किया इसका। देखिए, मैंने सभी जो बोतलें हैं उनको ऐसे छोटी छोटी रस्सियों में बांध लिया है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये हैंग कर दिया है, और जो हम फर्स्ट बोतल बांधेंगे अपनी इस जाली में वो बिल्कुल ऊपर मिला के बांधेंगे, उससे फिर दूसरे नंबर पे इस तरीके से हम इसको बांध देंगे। उतनी रस्सी जो पहली बोतल है उसका जो ढक्कन है वो दूसरी बोतल से कम 2 से 2.5 इंच ऊपर होना चाहिए। ऐसे ही फिर दूसरी बोतल से तीसरी बोतल जो बांधी है उसका ढक्कन भी देखिए इतनी ऊँचाई पर होना चाहिए। और फिर ये चौथे नंबर की बोतल है, ये देखिए, ये भी जिससे आपस में ये इस तरह से टकराए ना। और ये देखिए, फिर मैंने इसको भी बचा के बांधा हुआ है, और ये देखिए फिर, और फिर ये नीचे तक आप देख सकते हैं। सबसे जो लास्ट की रस्सी होती है, लास्ट की बोतल हम बांधेंगे, ये देखिए
ये बिल्कुल ज़मीन में लगी हुई है, और ये बिल्कुल लास्ट में जो हमने फर्स्ट बोतल बांधी थी उसके साथ में आके बंद गई है। ये देखिए ऊपर देख सकते हैं आप, जो पहली वाली बोतल बांधी थी हमने तो ये घूम के आके बिल्कुल उसके जस्ट साइड में बंधी हुई है। तो आप इसको इस तरीके से बांध सकते हैं, ज़्यादा दूरी भी दे सकते हैं आप इसको, जितनी बोतलें आपके पास हैं बस उसी के हिसाब से आपको ये बांधना है और आपका झूला अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें पोर्चलिका लगाई है मोस रोज, आप इसमें पर्सलिन भी लगा सकते हैं, उसके साथ ही आप इसमें दूसरे भी प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इसमें ऐसे ही प्लांट लगाने हैं जिनकी जड़ें ज़्यादा ना फैलें। तो दोस्तों बड़ी आसानी से आप भी बना सकते हैं ये हैंगिंग झूला, प्लास्टिक की बोतलों को कबाड़ में ना फेंकें, और पैसे और जगह दोनों की बचत हो जाती है इससे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। तो दोस्तों ये बोतल के ऊपर का हिस्सा है जिससे मैंने ये हैंगिंग झूला बनाया है, और ये नीचे का हिस्सा है। तो दो हैंगिंग झूले मेरे तैयार हो गए हैं, 12 बोतलों से 24 पॉट मुझे मिल गए हैं। तो बनने के बाद देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, आप भी अपने गार्डन में चार चांद लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का, फिर मिलती हूँ आप सभी से किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।